शुक्रवार को जारी एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, मगर कांग्रेस के भीतर असल माथापच्ची अब शुरू होने वाली है। 11 दिसंबर के परिणाम में अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस का राज तिलक तो होगा, मगर मुख्यमंत्री का ताज किसके सर होगा, यह अभी भी बड़ा सवाल है। हालांकि यह बात तय है कि अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट में से ही कोई एक राजस्थान में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी कोई प्राथमिकता नहीं है, हाई कमांड ही है जो काम का निर्धारण करेगी, मेरे लिए कोई पद की कोई प्रायोरिटी नहीं है। मेरा मानना है कि किसी के लिए भी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, पार्टी जो बोले वही करना चाहिए। सचिन पायलट जो राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, एक अच्छा मुख्यमंत्री हो सकते हैं या फिर कुछ और अनुभव की आवश्यकता होगी। इस पर उन्होंने कहा कि मैं किसी की क्षमताओं पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। अशोक गहलोत ने कहा कि जो पार्टी कहेगी वही करना मेरा कर्तव्य होगा। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री भी रहा, 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रहा, मैंने कभी किसी चीज के लिए नहीं कहा, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया।